वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइन्थ चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड सेवेंथ. एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइन्थ चैप्टर इज अबाउट देयर एंड इट. तो बच्चों, अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में नाइन्थ चैप्टर का पार्ट वन का वीडियो देखेंगे. और नाइन्थ चैप्टर का नाम क्या है? तो नाइन्थ चैप्टर का नाम है देयर एंड इट. ओके, तो ये क्या है देख लेते हैं. वी यूज देयर इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड बी इन अ सूटेबल टेंस फॉर्म व्हेन. तो क्या कह रहे हैं, अपने देयर शब्द है वो सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे, और बी है वो जो टेंस में सेंटेंस हो, जिस टेंस में सेंटेंस हो. यानी कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो बी का जो प्रेजेंट टेंस का हो, इज, एम, आर, तो उसमें से कोई लगाएंगे. पास्ट टेंस में हो तो वाज या वेर लगाएंगे. फ्यूचर टेंस में सेंटेंस हो तो अपने विल या शैल लगाएंगे. तो सूटेबल टेंस फॉर्म जब, कब लगाएंगे? वी टॉक ऑफ अ थिंग फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कोई भी चीज़ की अपने पहली बार बात कर रहे हैं. वी वॉन्ट टू से दैट समथिंग एग्जिस्ट, अपने को बताना है कि ये चीज़ हाँ है, तो तब अपने ऐसे लगाएंगे. अब देखो, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देयर प्लस वर्ब बी, बराबर. तो ऊपर अपने देखा ना देयर प्लस वर्ब बी, तो उसका देखो. देयर इज अ टेबल इन द रूम, तो ये रियल सब्जेक्ट ये है, कॉम्प्लीमेंट ये है, प्रेजेंट टेंस है तो इज लग गया. देयर आर 10 डेस्क इन द क्लास, तो डेस्क है वो क्या प्लूरल है, तो प्लूरल का इज का आर हो गया. देयर वॉज अ क्लॉक ऑन द वॉल, पास्ट टेंस में दिखाना है सिंगुलर में क्लॉक, तो वॉज हो गया. पास्ट टेंस में प्लूरल दिखाना है तो वेयर हो जाएगा. There has been some trouble in the city. Has been कब लगाते हैं? Past perfect continuous हो या present perfect continuous, कोई भी tense perfect continuous के रूप में हो तब लगाएंगे. There have been complaints from the students. तो देखा, plural हो तो have और singular हो तो has. There will be a holiday tomorrow. तो ये कौन सा हो गया? Future tense हो गया ना. In these sentences, there appears to be subject. इन सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बन जाता है? There सब्जेक्ट बन जाता है. But the real subject is the noun that follows the verb. पर रियल सब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला, right? अब इफ द रियल सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यानी कि रियल सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, टेबल, क्लॉक, ट्रबल, बराबर, तो वर्ब क्या आएगा? वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इज, वाज, हैज बीन, मैंने बताया ना आगे. इफ द रियल सब्जेक्ट इज प्लूरल, जैसे कि डैश, पिक्चर्स, कंप्लेंट्स है ना, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, आर, वेयर, हैव बीन हो जाएगा. Look at these two sentences. अब ये दो sentence देखो. There are two policemen at the gate. तो क्या है? There आ गया. Verb क्या है? Are आ गया. फिर subject policeman आ गया, है ना? तो यही form हो गया. Two policemen are at the gate. तो ये क्या हो गया? ये real subject हो गया. Two policemen. फिर verb आया, है ना? तो दोनों सही है, पर यहाँ पे धैर्य लगाए, यहाँ पे धैर्य सब्जेक्ट की जगह आ गया है, पर रियल सब्जेक्ट तो पीछे है. बोथ दी सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली पॉसिबल, बट द वन विद देयर इज मोर यूजुअल. दोनों सही है अपने रूप में, पर ये है वो ज़्यादा सही बैठता है. However, when be is used to mean happen or take place, the construction with there has to be used. यानी जब भी अपने be का मतलब क्या होता है, कि कुछ है, कुछ जगह ले रहा है, कुछ होने वाला है, तो तब अपने को there लगाना compulsory है. There was an accident this morning. तो घटना हुई ना, तो वहाँ पे there compulsory है. There are some mistakes in your ऐसे, तो ये टेक प्लेस हो गया मिस्टेक, तो देयर लगाया.
We can't put this sentences in the subject plus verb form. नीचे जो सेंटेंस है उसमें अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं लगा सकते. कौन से सेंटेंस में? An accident was this morning. ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं. Some mistakes are in your essay. यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं लगा सकते हैं. अब नेक्स्ट पेज पे देखो, एक्सरसाइज है. एड द करेक्ट फॉर्म ऑफ देयर प्लस बी टू द फॉलोइंग. तो आपको क्या देखना है, प्रेजेंट टेंस हो तो एम और इज और आर, पास्ट टेंस हो तो वाज या वेर, फ्यूचर टेंस हो तो विल और शैल. और फिर देखना है कि आपका जो है बराबर, यहाँ पे सेंटेंस है सिंगुलर में है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल में है तो वर्ब प्लूरल आएगा. ओके, सेवन डेज इन अ वीक, तो डेज आ गया तो देर आर. देर हैव बीन मेनी एक्सीडेंट्स इन दिस स्ट्रीट. देर वेर अ लॉट ऑफ विजिटर्स दिस मॉर्निंग. देर इज अ गुड फिल्म ऑन द ऑडियन. देर वॉज ओनली अ फुटपाथ हियर लास्ट ईयर. देर विल बी अ पार्टी इन अवर हाउस टुमारो. लुक, देर इज अ न्यू मून इन द स्काई. There will be a lot of work to do this afternoon. There has been no fruit on this tree for many years. There were a lot of people in the park. There was an accident outside our house last night. There were 400 children in this school last year. तो देखा मैंने जो जो अंडरलाइन किया है वो सब आपको बताता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है. उसके हिसाब से अपने क्या लिखा है, वर्ब को भी सिंगुलर या प्लूरल में लिखा है. ओके, अब क्वेश्चन टू, कंप्लीट इच सेंटेंस एनी वे यू लाइक. तो आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है, तो भी थोड़ी मैंने लिख के दिखाई है, पर इसको भी आप अलग तरह से लिख सकते हो. जैसे कि क्या है, देर इज डैश, तो डैश में क्या लिखेंगे, अ चॉकलेट इन द बॉक्स. देर इजंट एनी मीटिंग टूडे. इज देर एनी टॉफी इन द बॉक्स. इजंट देर एनी हॉस्पिटल्स हियर. वेयर देर एनी pens in the box. Weren't there any tickets left? There will be a celebration next week. There won't be any holiday next month. तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आपको sentence formation करना है. Okay, तो ये exercise क्या हो गई, आपकी homework हो गया. अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है, क्वेश्चन थ्री, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, पर कैसे करना है, यहाँ पे बॉक्स में वर्ड्स दिए इनको लेकर आपको करना है. देखो, देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ये आ गया है ना, मंथ्स है तो आर ही आएगा. लुक, देर इज एन एरोप्लेन इन द स्काई, तो यहाँ पे है ये, देखो क्या है, ये वाला आ गया, एरोप्लेन सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर आया. देर आरंट एनी ओल्ड बिल्डिंग्स इन चंडीगढ़, तो आरंट ये वाला आएगा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर इन योर क्लास, तो आर देर कहाँ है, ये वाला, तो ये आएगा फोर्थ नंबर, राइट. फिर इज देर एनी प्रॉब्लम हियर, एवरीथिंग इज ओके, तो ये फिफ्थ वाला आ गया. तो यहाँ पे पहला क्या होगा, कैप्स लॉक होगा कैपिटल में. फिर एक्सक्यूज मी, देर इजंट अ पोस्ट ऑफिस नियर हियर, तो ये कौन सा आ जाएगा, तो ये सिक्स नंबर ये वाला आ जाएगा. ओके, अब क्वेश्चन फोर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग. ऊपर के जैसे ही आपको करना है, ऊपर था वो क्या था, प्रेजेंट टेंस में था सेंटेंस, और यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस में है. ओके, तो पहला क्या है, वेयर देर एनी लेटर्स फॉर मी यस्टरडे, तो कहाँ गया वेयर देर, ये रहा. I was hungry but there wasn't anything to eat, तो ये वाला. There was a lot of traffic and I became late, तो ये. Was there a football match on TV last night, तो ये. Some years ago there were many tigers in our forest, तो ये. I saw some boys in the park but there weren't any girls, तो ये आएगा. तो इस तरह आपको लिखना है.
अब क्वेश्चन 5 क्या है. नाकोडर इज अ स्मॉल टाउन इन पंजाब. लुक एट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स. तो नाकोडर ये लड़का है, इसका नाम है, ये लड़का खड़ा है, इसके पास ये है ना जो बोर्ड, उस पर नाकोडर लिखा है, यानी वो क्या है, पंजाब का एक स्मॉल टाउन है, उसका नाम है. तो अब इंफॉर्मेशन देखो, गर्ल्स कॉलेज इस टाउन में है, गुड स्कूल्स हाँ है, कितनी तो 5, पब्लिक गार्डन नहीं है, रेस्टोरेंट्स हाँ बहुत सारे हैं, एनी बिग होटल्स नहीं है, स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, एनी सिनेमास तो हाँ है, 2 है, हॉस्पिटल हाँ है. तो अब आपको क्या करना है, नाउ आस्क क्वेश्चंस एंड आल्सो गिव देयर आंसर एज शोन. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी बनाना है, इसको लेके आंसर भी देना है. आपको ये तो दे रखा है, सिर्फ आपको ऐड ही करना है. तो पहला क्या है, अ गर्ल्स कॉलेज, इज देयर अ गर्ल्स कॉलेज, यस देयर्स अ गर्ल्स कॉलेज. तो सिंपल है, इज देयर एनी गुड स्कूल, यस देयर आर मेनी, देयर आर 5 गुड स्कूल्स. इज देयर अ पब्लिक गार्डन, नो देयर आरंट एनी पब्लिक गार्डन. इज देयर एनी रेस्टोरेंट, यस देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स. फिर आर देयर एनी बिग होटल्स, नो देयर आरंट बिग होटल्स. फिर इज देयर आर क्या है, स्पोर्ट्स है, पर इज देयर अ स्पोर्ट्स स्टेडियम, नो देयर आरंट अ स्पोर्ट्स स्टेडियम. आर देयर एनी सिनेमास, यस देयर आर 2 सिनेमास. इज देयर अ हॉस्पिटल, यस देयर इज अ हॉस्पिटल. तो इस तरह आपको क्वेश्चन और आंसर बनाने हैं. मैंने ओरली बोल दिया, पर आपको अपने आप बनाने हैं. अब आप हाई स्टैंडर्ड में आ गए ना, 7th में, तो आप कर सकते हो ना सेंटेंस फॉर्मेशन, तो करके फिर दिखाना है. ओके, तो ये एक्सरसाइज कहाँ करनी है आपको, इस एक्सरसाइज को नोटबुक में करनी है, ऊपर की है उसको आपको टेक्स्ट बुक में करो तो भी चलेगा. तो इसके साथ अपने क्या करते हैं, इस चैप्टर के पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं. ओके, वंदे मातरम.